Nehemiah, अध्याय दो. नहमायाह अध्याय दो. अर्थक्षत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया. इससे पहले तो मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था. तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी. तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बसाऊं. तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया. फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं, तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें, और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की भी चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिससे मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे. मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण की. तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी. राजा ने तो मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे. यह सुनकर कि एक मनुष्य इसराइलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, होरोनी संबलत और तोबियाह नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा. जब मैं यरूशलेम पहुंच गया, तब वहां 3 दिन रहा. तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा. मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था, और अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था. मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया, और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले फाटकों को देखा. तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था. तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया. और हाकिम न जानते थे कि मैं कहां गया और क्या करता था. वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था, और न याजकों को, और न रईसों, और न हाकिमों, और न दूसरे काम करने वालों को. तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं. तो आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे. फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी. तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हिया बांध लिया. यह सुनकर होरोनी संबलत और तोबियाह नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नाम एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो,
क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न कोई भाग, न हक, न स्मारक है।